प्रतापगढ़ में दो सगे मासूम भाइयों को बस ने कुचला। दोनों मासूम भाइयों की मौके पर मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ करते हुए सड़क पर लगाया जाम। ड्राइवर बस छोड़कर फरार। बस को बैक करते समय हुआ हादसा। जेठवाड़ा थाना के शमशेर बाजार की घटना। प्रयागराज के हंडिया तहसील में लॉकडाउन लगने के बाद पहली बार मंगलवार को हंडिया तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। आगरा देहात में बालिका अपहरण कांड में हिंदूवादी संगठनों में उबाल। इरादत नगर थाना क्षेत्र से दूसरे समुदाय के युवक पर है बालिका के अपहरण का आरोप। विधायक पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा समेत हिंदूवादी संगठन दो बार कर चुके हैं थाने का घेराव। आगरा के थाना हरि पर्वत का मामला। पुलिस के सट्टेबाजी पर अंकुश के दावे हुए हवा हवाई। खुलेआम सट्टे की खाई बारी करने वाले सटोरिया का वीडियो हुआ वायरल। जिला प्रशासन के चक्कर लगाते लगाते परेशान किसान ने डुग्गी पीट कर तहसील विधना में जनता के बीच मुख्यमंत्री तक अपनी परेशानी को पहुंचाने के लिए किसान ने पीटी डुग्गी। प्रयागराज के हंडिया तहसील में लॉकडाउन लगने के बाद पहली बार तहसील दिवस के आयोजन में लगी भारी भीड़। कोतवाल हंडिया शमशेर बहादुर सिंह ने कोविड-19 को देखते हुए तहसील में आए अधिवक्ता बंधु व फरियादियों को जागरूक किया। राजधानी लखनऊ में कोरोना ने ली 18 की जान। 904 नए संक्रमित, 869 हुए ठीक। ब्रिटेन का यू को झटका। ब्रेक्सिट समझौता नकारने के बिल पर मर्जी के मुताबिक व्यापार। भारतीय अमेरिकी ने की करोड़ों रुपए की बैंक धोखाधड़ी। मिली 30 साल कैद की सजा। ब्रिटेन ने तमिलनाडु के मंदिर से चोरी 3 मूर्तियां लौटाई। खुशी में हुआ धार्मिक समारोह।